हिंदुस्तान की आजादी, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ उतार दिया एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, या फिर अगर थे भी तो सिर्फ अपना एक अलग देश बनाने के लिए। वेल, दैट्स ए मिथ। द ट्रूथ इज दैट आजादी की लड़ाई में हर एक का खून शामिल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन को चाहे कुछ जानबूझकर छुपाने की कोशिश करे या फिर हिस्ट्री ही बदल डाले, लेकिन यहाँ की मिट्टी की खुशबू हमेशा गवाही देती रहेगी कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और आसपास के रूलर्स को अलर्ट किया। इन्होंने 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ पलाशी में जंग की, जिसमें वो खुद शहीद हो गए और इस तरह बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। डू यू नो, टीपू सुल्तान वॉज मोस्ट फियर्ड इंडियन ऑफ हिज टाइम इन ब्रिटेन। शेर मंसूर ने 18th सेंचुरी के आखिर में अंग्रेजों के खिलाफ चार जंगें लड़ी, जिसको हम एंग्लो मैसूर वार्स के नाम से जानते हैं, जिनमें से तीन जंगों में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा डाली, लेकिन आखिरी जंग में वो खुद शहीद हो गए। टीपू सुल्तान के मरने पर ब्रिटेन में एक बड़ा जश्न मनाया गया। हिंदुस्तान की आजादी की स्ट्रगल में फरेजी मूवमेंट को हरगिज नहीं बुलाया जा सकता। ये मूवमेंट जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे, अंग्रेजों के तेजी से बढ़ते कदमों को रोकने में एक अहम रोल प्ले किया। इसी तरह कम ही लोग मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान के बारे में जानते होंगे। अशफाकुल्लाह खान ने काकोरी लखनऊ में अंग्रेजों का खजाना लूटा। अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने बाद में फांसी देकर शहीद कर दिया। इंडियन रेबेलियन मूवमेंट, जिसको हम गदर के नाम से जानते हैं, 1857 में इसकी शुरुआत हुई। सिर्फ दिल्ली में 27,000 मुसलमान ने अपनी जानें लुटाई। दूसरे स्टेट्स में न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी जानें इस मुल्क के लिए दिए। इस रिवोल्ट में मुसलमान उलेमा ने एक अहम रोल किया। इन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में इस बात की अवेयरनेस पैदा की कि अंग्रेज इलीगल तौर पे हमारे मुल्क में रूल कर रहे हैं, लिहाजा इनसे बगावत करना और इनके खिलाफ जिहाद करना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं, उलेमा ने खुद अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद भी किया। अम्बाला में मौलाना जाफर थानेसरी और शामली में हाजी साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। इस जिहाद को जिहाद शामली भी कहते हैं। 1864 और 1867 के बीच में अंग्रेजों ने 14,000 मुसलमान उलेमा को पेड़ों से लटका कर फांसी दे दी। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, जिसको मुसलमान लीडरशिप ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ दिया। इस तरह इन्होंने मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हिंदुस्तान की आजादी के स्ट्रगल की तरफ मोड़ने में एक अहम काम किया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ने अंग्रेजों की कमर तोड़ रखी थी। हम में से कितने लोग खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के बारे में जानते हैं, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में शुरू किया। इस मूवमेंट ने 1,00,000 जान निसार मेंबर्स को तैयार किया, जो गांधी जी के नॉन वायलेंस थ्योरी में बिलीव करते थे। इस मूवमेंट ने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के खिस्सा खानी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट किया। इन निहत्ते प्रोटेस्टर पर ओपन फायर कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 250 लोग शहीद हो गए। इस मूवमेंट ने क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक मौके पर तो अंग्रेजों के क्रैकडाउन को बहादुरी से फेस किया। 1931 में जब कांग्रेस ने खान साहब को पार्टी की प्रेसिडेंसी ऑफर की, तो उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो एक सीधे सादे सिपाही और खुदाई खिदमतगार हैं और सिर्फ खिदमत ही करना चाहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के कॉन्ट्रीब्यूशन को कौन इग्नोर कर सकता है। ही वॉज ए स्कॉलर एंड सीनियर मुस्लिम लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आजाद खिलाफत मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे। आपने गांधी जी का हर कैंपेन में बढ़ चढ़ कर साथ दिया और मुसलमानों को भी इस काम की तरफ जमा किया। ही स्ट्रॉन्गली अपोज द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी प्रपोज बाय मोहम्मद अली जिन्ना। किसी भी मूवमेंट में स्लोगन्स का या नारों का एक बहुत अहम रोल होता है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ महर अली ने दिया, जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया, कामिल आजादी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया,
वो डॉक्टर इकबाल ही थे जिन्होंने तराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गाने को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा। हमारा तिरंगा यकीनन 1921 में पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, लेकिन आज जिस शक्ल में है हमारा तिरंगा, इसे सुरैया तैयब जी ने डेवलप किया। टू कंक्लूड, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की किसी भी मूवमेंट को उठा लीजिए, हर एक में मुसलमान का बढ़ चढ़ कर सिर्फ हिस्सा लेना ही नहीं बल्कि अपने जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। जय हिंद, जय हिंद।